कतलियां, जी हाँ आलू की कतलियां, नया वर्ड है ना आपके लिए कतलियां, समझाता हूँ होता क्या है। कतलियां एक अल्फाज है जिसका मतलब होता है स्लाइसेस, और आलू की कतलियां एक क्लासिक इंडियन डिश है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो हैदराबाद या लखनऊ का जो पुराना खाना है उसके अंदर आलू की कतलियां का मेंशन है, और स्लाइसेस जब होते हैं आलू के और अच्छे से फ्राई होते हैं मसाले के साथ तो बढ़िया सब्जी बनती है। तो शुरू करते हैं कतलियां, आलू की कतलियां। इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप में आलू को हमें पील करना है। अब देखिए, क्योंकि आलू कच्चा है उसे हमें पकाना है, तो बेस्ट है कि अगर सेम साइज़ के आलू आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। किसी भी डिश के अंदर जो कट ऑफ वेजिटेबल होता है वो उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है। मतलब रेसिपी तो बढ़िया होनी चाहिए जहाँ मसाले डलते हैं, स्वाद बनाता है, लेकिन जो उसकी रंगत निकल के आती है या खूबसूरती निकल के आती है वो आती है उसके कट से। तो कतलियाँ यानी कि स्लाइसेस एक बहुत ही बढ़िया आकार और सूरत देता है इस डिश को। आलू सारे पील हो गए, अब आलू को स्लाइसेस में काटना है। अब देखिए, इस चीज़ को आपको आराम से करना है ताकि स्लाइसेस बराबर कटे। फ्लैट रखा है इसको और यूं अब इसके पतले पतले स्लाइसेस काटने हैं। जो मैं साइज ले रहा हूँ वो है करीबन हाफ अ सेंटीमीटर, तो एक बार आप मार्क कर लीजिए, उसके बाद आराम से इसे यूं सेम साइज में सेम आकार में काटिए। और क्योंकि एंड वाला जो पोर्शन है वो पतला होता है इसलिए उसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा थिक रख सकते हैं, ऐसे पेट के बल बिठाए से ये काटा हाफ सेंटीमीटर स्लाइसेस या कतलियां। अब देखिए इवन कटिंग कितने खूबसूरत लग रहे हैं। टाइम टू कुक दिस नाउ। कुकिंग के अंदर बेस्ट रहता है आलू कतलियां के लिए देसी घी। कई लोग सरसों के तेल में भी बनाते हैं, रेगुलर ऑयल में भी बनाते हैं, बट देसी घी के अंदर बेस्ट स्वाद आता है। ये देखिए घी गरम, इसके अंदर थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, ऑप्शनल है लेकिन आप हींग भी डाल सकते हैं, हल्का सा स्टर। और अब इसमें जाएगा आलू, ऑल ऑफ इट, सारा आलू गया। गैस एकदम तेज, इस पे जाएगा नमक और इसे अब हम टॉस करेंगे। ये हींग, नमक और चिली के अंदर अभी ये पकेगा। लाइक आई सेड, इसके अलग अलग रेसिपी, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। हमारा तो बिल्कुल सिंपल साधारण सा है जो मैंने अपने उस्ताद जी से सीखा था, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और इसकी जो लुक है आलू की बहुत ही मज़ेदार लगती है। ओके जी, जब तक ये हो रहा है हम काटेंगे प्याज को। प्याज के यूं राउंडल्स इस तरीके से, जैसे लच्छे काटते हैं ना, लच्छा अनियन, बिल्कुल वैसे यूं। अब देखिए, जैसे जैसे आलू पकेगा ना, ये जो आलू है ऊपर से ये कलर पकड़ना शुरू करेगा। ये बेस्ट रहता है ताकि ऊपर से वो क्रंची रहे और अंदर से सॉफ्ट एंड क्रीमी। अब इस सूरत में जहाँ पर आलू मतलब 70-80% पक चुका है, तब हम इसमें मसाले डालेंगे। सिंपल है जी, मसाले थोड़ी सी हल्दी, ज़रा सी, साथ ही थोड़ा सा जीरे का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर, नमक तो हम डाल चुके हैं लेकिन काला नमक इसमें जाएगा, साथ ही थोड़ा चाट मसाला। इसी के अंदर ये जो प्याज हमने स्लाइस करके रखा था उसको भी हम डाल देंगे। अगर आपने फ्रेंच एक डिश है पोटैटो लियोनेज, अगर उसका नाम सुना है, स्पेशली अगर आपने होटल मैनेजमेंट करी तो फर्स्ट ईयर में ज़रूर पढ़ा होगा, ये बिल्कुल वैसा ही है जहाँ पर लियोनेज पोटैटोज में पतले ऐसे आलू की कतलियाँ कटती हैं, बटर, सॉल्ट, पेपर, अनियंस और पार्सले के साथ इसी तरीके से पकाया जाता है। हमने इसमें मसाले डाले। अब फ्रेंच हमारे खाने से इंस्पायर हुए या हम उनके खाने से,
ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना पक्का है कि लेयोनीज़ पोटैटो से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है आलू की ये मसालेदार कतलियाँ। विश्वास ना आए तो जी ट्राई करके देखिए। थोड़ा सा नमक मैं डाल रहा हूँ प्याज के हिसाब से, और अब ध्यान रहे कि आलू जैसे जैसे पक रहा है अब वो नर्म हो जाएगा तो वो टूट सकता है, इसलिए आराम से उसे टॉस करना है या फिर उसे आप करछी से घुमा सकते हैं। ये देखिए ऐसे, अगर आपके पास भी घर पर बढ़िया कढ़ाई या वॉक है ऐसी तो परफेक्ट है, नहीं है तो होल्ड ऑन। ये लीजिए करछी, लिफ्ट एंड ड्रॉप, लिफ्ट एंड जी ड्रॉप, लिफ्ट एंड ड्रॉप, लिफ्ट एंड ड्रॉप। जब तक ये आलू पक रहा है मैं आपको बताता हूँ कि आलू खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए जब भी आप बाजार में जाते हैं आलू खरीदने, सबसे पहले चीज़ आपको नोटिस करनी है कि आलू गीला ना हो, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, साथ ही उसके ऊपर कोई कट्स ना हो, वो ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो या ऊपर से स्लाइमी हो। अगर आलू पुराना होगा ना तो उसके अंकुर स्प्राउट जो होता है जगह जगह से निकलने शुरू हो जाते हैं, ऐसे आलू को मत खरीदिए। कई बार ऐसा होता है कि आलू के ऊपर एक हरे रंग की स्किन होती है, कलर होता है, उस आलू को भी आपको नहीं खरीदना, बिकॉज उसको खाने से पॉइजनिंग हो सकती है। आलू खरीदने जब जाते हैं तो आलू के अलग अलग साइजेस होते हैं, अगर बड़ा आलू आप लेते हैं वो आपके काम आएगा उबालने या मैश करने के लिए, मीडियम साइज लेंगे तो आलू मटर की सब्जी बेस्ट रहती है, अगर बिल्कुल छोटे साइज के लेंगे तो उसका आलू जीरा बढ़िया बनता है। जब आप एक बार आलू खरीद कर घर लेकर आते हैं तो अगर वो पन्नी में है या किसी कागज़ के बैग में, उसको उससे निकाल कर फ्रिज के बाहर एक खुली हवादार जगह में ही रखें। अगर आलू को हम फ्रिज में रखेंगे या फिर उसे क्लोज करके रखेंगे तो आलू पिलपिले हो जाएंगे, नहीं तो उसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थे कुछ टिप्स आलू खरीदते वक्त, चलते हैं वीडियो की तरफ। अब देखिए आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि बाहर से जो आलू क्रिस्पी हो रहा है ना वो सॉफ्ट पड़ जाएगा, इसलिए मीडियम आंच पर इसे आराम से पकने दीजिए। और देखिए प्याज के अंदर आलू के अंदर एक अच्छा रंग आ गया। इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें चुटकी भर, एक्चुअली दो चुटकियां कसूरी मेथी का पाउडर। हमारे पास है ये लाल कुटी हुई मिर्च, जो अगर हम पहले डालते तो जल जाती, काली पड़ जाती, अभी रंग इसका खिल के आएगा। इसी के ऊपर हरी मिर्च कटी हुई और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब जेंटली इसे लिफ्ट एंड ड्रॉप, ब्यूटीफुल। कुछ आलू है वो टूट जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे, विच इज़ फाइन, बट मैक्सिमम साथ में ही रहेंगे। ये देखिए बढ़िया खूबसूरत आलू की कतलियाँ तैयार। वाह क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, एंड में जो हरी मिर्च डाली है ना दैट्स मैजिक। आलू तैयार हैं, लेट्स प्लेट इट। और बेस्ट तरीका है जी आलू कतलियां खाने का, फुलका लिया उस पे गया जी आलू, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा ये प्याज, यूं हो गया जी। और अब दिस इज सुपर्ब, अमेजिंग। आलू कतलियां done.